हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूर्वी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जादुई मास्क। आप इसको जादुई मास्क बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री मास्क है। आप घर की चीज़ों से ही आप अपने जो हेयर्स हैं उसकी केयर कर सकते हैं और बिल्कुल मतलब आपके जो डैंड्रफ है, रूसी है या फिर कोई और जो डैमेज हेयर हो जाते हैं या फिर जो आप काफ़ी टाइम तक ऑफिस वगैरह में रहती हैं और आपके जो हेयर हैं वो धीरे धीरे से झड़ने लगे हैं या वाइट होने लगे हैं, रुखे रुखे सो रहे हैं, सबका जो एक ही सॉल्यूशन है, ये आप ये मास्क यूज़ कीजिए, उसके बाद रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना आप खुद जानते हैं कि मेथी दाना कितना 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 अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बेनिफिट कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाने को भिगो दिया है। एक कटोरी मेथी दाना था मेरे अपने अकॉर्डिंग लिया है, अपने जिस आप अपनी जो हेयर्स हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भिगा हुआ जो मेथी दाना था उसको सारा पानी निकाल कर और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा ऐसा पेस्ट बना लिया है और उसको मैंने निकाला एक बाउल में। और अब मैं यहाँ पर मिला रही हूँ दही या कर्ड बोल सकते हैं आप उसको। मैंने यहाँ 4 चम्मच जो छोटा स्पून होता है वो लिया है दही का। दही भी आपके जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपके बालों को बहुत अच्छे से सिल्की कर देता है और जो डैंड्रफ होता है उसे निकाल देता है। तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट गाढ़ा है, वो इतना इजीली गिर नहीं रहा है। तो इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने पूरे ही सिर में आपको लगाना है। तो अपने जो बाल हैं उनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ओपन कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप जो है लगाना शुरू कीजिए। ये देखिए पेस्ट है, वही पेस्ट जो मैंने अभी बनाया था। कोई इतनी मेहनत नहीं लगी इसे बनाने में। अब मैं जो अपने बाल हैं उसके छोटे छोटे से सेक्शन करूँगी और वहाँ पर पूरा मैं लगाने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे थोड़े थोड़े से जो बाल हैं उनको मैं ले जाऊँगी और साथ साथ थोड़ा सा पेस्ट है वो अपने हाथों की ही हेल्प से ले सकती हूँ। अगर आप चाहें तो ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि आप हाथ से ही लगाएं। इससे ये आपके हर एक बाल तक आपके उस तक अच्छे से पहुँचेगा। ये देखिए मैं इस तरह से एक हाथ से अपने जो बालों को साइड करते हुए जा रही हूँ और एक हाथ से मैं लगा रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह से लगाएं ताकि आपके पूरे जो हेड हैं आपके हेयर्स हैं वहाँ पर ये अच्छे से लग जाए। ये देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ पर निकाल कर लगा जा रही हूँ। ये मैंने पेस्ट अपने हेयर के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आपके हेयर्स छोटे हैं या फिर और ज़्यादा बड़े हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो मेथी दाना है उसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैं जनरली थर्सडे को मैं गला लेती हूँ मेथी दाना और ओके मेथी दाना मैं भिगो देती हूँ और फ्राइडे के दिन मैं मॉर्निंग में ही ये जो है पेस्ट मैं लगा लेती हूँ सिर्फ। और उसके बाद मैं सारा जो अपना जो घर का काम होता है या अपना कुछ मैं फेस मास्क ऐसा लगा लेती हूँ। तो जब इसको लगाने की बात मैं कर लेती हूँ तो ये आधे घंटे या एक घंटे में सूख जाता है, इजीली सूख जाता है। और जब आप इसका रिज़ल्ट देखोगे, जब आप इसको एक दो बारी आप यूज़ करोगे तो उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट खुद देखोगे। मैं हर बार सिर धोने से पहले इसको यूज़ करती हूँ। अभी तक मैंने शायद 3 बार इसको यूज़ किया है। पहले मेरे जो हेयर थे बहुत ज़्यादा ही डैमेज थे और अगर आपके हेयर्स कर्ली हैं तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करें। अब जिस मेरे कहने से आप इसको नहीं वो सुने, आप ट्राई करेंगे ना तो आप खुद को आपको लगेगा कि हाँ इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप पार्लर्स में इतने सारे पैसे खर्च करते हैं और उसके बाद जब केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हाँ कुछ टाइम के लिए आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, बट उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था वापस आप उसी जगह पर आकर रह गए हैं। आपके बाल वैसे वैसे हो जाएंगे और शायद उससे ज़्यादा बदतर स्थिति में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आगे का जो पूरा पोर्शन है मेरे सिर का वो कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं पीछे वाले जो पोर्शन है अपने हेयर का उनको मैं सेक्शन का सेक्शन करके और पूरे मैं अप्लाई कर रही हूँ। जो भी मेरा पेस्ट है वो मैं अपना पूरा पेस्ट अपने हेड में लगा रही हूँ। तो मैं इस तरह से ट्विस्ट ट्विस्ट करके अपने हेयर को लगा रही हूँ ताकि सब जगह पर पेस्ट जो है वो इक्वली लग जाए। आप ऊपर नीचे तक करके अपने हेयर को आपको बस कम्प्लीटली अपने हेयर पे लगाना है पूरा इसको। या देखिए नीचे जो आपका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पर 2 मुंह के बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छे से रगड़ के लगाना है। पीछे वाले एरिया में जहाँ बीच वाला जो
सिर का एरिया होता है वहाँ पर भी आप इसको लगाइए। देखिए मैं जब घुमा रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये वाले पोर्शन छूट गए हैं। तो अब जो सारा पेस्ट है वो अच्छे से जहाँ जहाँ पर भी आपके हेयर्स रह गए हैं वहाँ तक कंप्लीट करके, और उसके बाद आपने बना लेना है इस तरह से हेयर को ट्विस्ट करते हुए बन, और स्वाद लगाना है छोटा सा क्लेचर। आधे घंटे समथिंग में आपका जो ये मास्क है, हेयर मास्क है जो गर्व पर बना है, बिल्कुल फ्री मास्क। हाँ मेथी दाना ज़रूर से है पर वो भी इतना महंगा नहीं आता है जितना आप पार्लर में जो करवाते हैं या फिर जो आप मार्केट से ख़रीद के जो हेयर मास्क लेके आते हैं उससे, ये कहीं ज़्यादा सस्ता है और कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब खुद जब लगाओगे तो इसका रिज़ल्ट आप देख लोगे। या आगे जो थोड़ा सा पेस्ट बच गया है इसको मैं अपने जो हेयर थोड़े बहुत आगे कहीं रह गए थे वहाँ लगा लिया है, और ये देखिए मेरा जो मास्क है वो कम्प्लीटली लग चुका। मुझे लगाए हुए कम से कम एक घंटा हो चुका है, मैंने अपना बहुत सारा काम कम्प्लीट कर लिया इस बीच, और देखिए पूरा सूख गया है, कहीं पर भी मेरे हाथ पर ये पेस्ट नहीं आ रहा है। और ये लीजिए मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है अच्छे से। पहले मैंने जो सारा जो अपना मेथी दाने का पेस्ट था उसको निकाला है बालों को गीले करके, और उसके बाद मैंने शैम्पू से अपना सिर बहुत अच्छे से धो लिया है। और वाव ये रिज़ल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं आप मेरी स्माइल भी देख सकते हैं, ये मेरे बाल जो हैं मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के से, और देख सकते हैं मेरा एक एक जो बाल है वो पूरा खिला हुआ है, देख के सिल्की सा फील हो रहा है। आपके सामने रिज़ल्ट है। मुझे तो पर्सनली ये मास्क मैंने 2 या 3 बार अभी तक यूज़ की, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आके आपका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।